गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम विनय है और मैं बात कर रहा हूँ फाइटिंग फिट सहा मार्केट आगरा से। तो जैसा कि आज हमारे बच्चे क्लास ले रहे थे, तो इनकी प्रॉब्लम थी कि सर मुझे ये नहीं पता होता है कि सर बीओ मॉडल नंबर पहचान कैसे करते हैं, एमआई मॉडल पहचान कैसे करते हैं। तो बहुत से सेट होते हैं बैक स्टीकर पर कुछ लिखा नहीं होता है, तो इनकी शिकायत थी कि सर मुझे बताइए कि सर बीओ का अगर कोई भी मेरे पास लेटेस्ट सिक्योरिटी का कोई भी हैंडसेट आ जाता है तो उसकी मॉडल नंबर पहचान कैसे करते हैं। और जैसा कि आज मैं टॉपिक करा रहा हूँ यूएमटी के बारे में, यूएमटी में जो टूल्स यूज कर रहा हूँ कॉलकम का, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन आया हुआ है फास्ट बूट टू डील करने का। तो कह रहे सर मुझे बताइए कि फास्ट बूट से डील कैसे करते हैं या मॉडल नंबर पहचान कैसे करते हैं। तो उसी की मैं एक छोटी सी आपको वीडियो बनाना चाहता हूँ दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करना है इसको और शेयर करना है दोस्तों को भी भेजना, ताकि उस वीडियो देखते वो किसी भी वीवो फोन का मॉडल नंबर ट्राई कर सकते हैं कि ये मॉडल नंबर क्या है। बस इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है वीओ के, मैंने 4 से 5 तरीके आपको बताए हैं कि मॉडल नंबर फाइंड कैसे करते हैं। बट क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो छोटी सी वीडियो और मैं बनाने जा रहा हूँ कि वीओ मॉडल फाइंड कैसे करते हैं प्लस फास्ट बूट से ईडीएल कैसे करते हैं कनेक्ट, ठीक है। जो आपके क्वालकॉम सीपीयू आते हैं वो सेट खोलने पड़ते थे, तो आप उनको सेट ना खोल के हम बिना खोले में फास्ट बूट से ईडीएल कर सकते हैं। ऑप्शन आ गया है, यूनिटी के अंदर ऑप्शन आ गया है, अनलॉक रूट के अंदर ऑप्शन आ गया है, अदर टूल्स के अंदर ऑप्शन आ चुके हैं, तो वही मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आप भी मेरे यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर हैं उन पर आप कॉल करिए, आप जानकारी करिए, आप डेमो क्लास लीजिए, फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, फ्री क्लास है। अगर एक बार आप क्लास करके देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और जब अच्छा लगे तो आप 100% आप ज्वाइन करेंगे, ताकि ज्वाइन करने के बाद कम से कम महीने के आप 30-35-40 हज़ार और आप आराम से कमा सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर से हो, ठीक है। सर ये मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आइए इधर घूम के आ जाइए। देखिए दोस्तों, तो जो मेरे पास एक मॉडल नंबर आया हुआ है वो एक मॉडल नंबर है वीवो का, मॉडल नंबर है Y31 मॉडल है, क्या है ये मॉडल नंबर है वीवो का Y31, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि मॉडल नंबर क्या है तो इसे फाइंड कैसे करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर आता है यूएसबी रीडायरेक्टर, क्या सॉफ्टवेयर आता है यूएसबी रीडायरेक्टर सॉफ्टवेयर आता है, इसे आप गूगल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम गूगल पे खोलते हैं और यहाँ लिखते हैं यूएसबी रीडायरेक्टर सॉफ्टवेयर आता है, इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कर लेंगे हम डाउनलोड। देखिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद जब इसे इंस्टॉल कर देंगे तो इस तरीके एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, आपको सेट को ऑन रखना है, ठीक है, ऑन करना है, और ऑन करने के बाद, ठीक है, कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपको मोबाइल से अटैच करना है इसको। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। लिखिए आ गया वीवो 2036, क्या आ गया वीवो 2036 आ गया। कुछ नहीं करना है, बस आपको डाटा केबल ऑन करके ही मोबाइल कर देना कनेक्ट, ठीक है। सबके समझ में आ रहा है बात? यस सर। ओके, अब क्या काम करना है, अब वीवो 2036 आ गया, अब काम कहाँ जाएंगे, क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ डाल देते हैं वीवो 2036, ठीक है, और मार देते हैं एंटर। जैसे आप एंटर मारते हैं तो यहाँ पे आ गया वीवो Y31 मॉडल नंबर आ गया, क्या आ गया वीवो Y31 मॉडल नंबर आ गया, ठीक है। पता हो गया आपको मॉडल नंबर क्या हो गया, वीवो Y31। अब मुझे ये पता करना है इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको गूगल टाइप करना है Y31 सीपीयू टाइप, क्या डाल देंगे सीपीयू टाइप, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ कि आपको पता हो गया है कि यहाँ पर क्लिक करते हैं जी समय पर, और यहाँ पर चेक करते हैं सीपीयू क्या लगा हुआ है, सिस्टर लगा हुआ है क्वालकॉम। देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, क्वालकॉम SM6115 स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपको पता हो गया कि आपका सीपीयू लगा हुआ है। अब दोस्तों करना क्या है, अब अगर आपको क्या करना है, हमें करना है इसे फास्ट बूट से करना है ईडीएल में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेट को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा ऑफ, इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ। देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसे पावर ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं इसे बंद कर दिया है। और बंद करने के बाद इस सॉफ्टवेयर क्या कर देता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का अगर हम ओपन रखेंगे या ऑन रखेंगे सिस्टम के अंदर तो उसमें यूएमटी के अंदर एरर बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कंट्रोल पैनल पर गए और मैंने ये सॉफ्टवेयर क्या कर देते हैं अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर USB डायरेक्टर्स इसमें कर दिया अनइंस्टॉल,
यस कर देता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी दोबारा फिर से कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है दोस्तों, यस करना है तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो कम से कम यार, रिक्वेस्ट है आपसे भाई। ठीक है, अगर एक आप लाइक करते हैं अच्छा से कमेंट करते हैं तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है ताकि हम आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो और बना के दे सकें। ठीक है, अब इसे हम क्या काम करते हैं, हम टूल्स ओपन करते हैं क्वालकॉम का, ये टूल्स है क्यूसीफायर, इससे हम क्वालकॉम सीपीयू रिपेयरिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, पावर और वॉल्यूम बटन दबाना है, पावर और वॉल्यूम अप बटन दबाना है, दबा लेते हैं पहले, पावर को छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं, ये आपका आ गया फास्ट बूट मोड, क्या बोलते हैं इसको हम, फास्ट बूट मोड। अब केबल को अटैच करते हैं, ध्यान दो इधर, अब क्या करना है हमें केबल करना है अटैच। चलिए देखता हूँ इसे ये फास्ट बूट सीडीएल में आता है कि नहीं आता, क्योंकि सारे मॉडल नहीं आते हैं, तो यहाँ पर जाते हैं डिवाइस मैनेजर जाते हैं, और ये देखो ये सर फास्ट बूट मोड में है क्योंकि यहाँ पोर्ट बन रहा है एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस का पोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये पोर्ट बन रहा है। अब मुझे क्या काम करना है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, अब देखिए सबसे पहले क्या काम करना है मुझे, ये लिखा है रिबूट ईडीएल एफबी, रिबूट ईडीएल एफबी, यहाँ पर आपको ओके करना है। तो देखते हैं यहाँ पर 9008 का पोर्ट बनता है नहीं बनता है, वेरी गुड बन गया। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका पोर्ट बन गया, अब देखो यहाँ से फास्ट बूट से हटकर आपका क्वालकॉम का 9008 का पोर्ट बन गया है। ठीक है, इसलिए वीवो के मॉडल को हम फास्ट बूट से ईडीएल इस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। ठीक है, आप देखिए चेक करते हैं, रीड इन्फो पर क्लिक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रीड इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम आपको बतानी थी वो बतानी थी वीवो के मॉडल नंबर को कैसे चेक करते हैं और हम फास्ट बूट से ईडीएल कैसे करते कनेक्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो मुझे अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू फ्रॉम सो मच हाईटेक इंस्टीट्यूट, बेस्ट ऑफ लक।